अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है सतारा की LCD। तो इसमें फॉल्ट ये है कि इसका ये जो कार्ड है, ये वाला कार्ड VGA जैक, तो इसका VGA जैक वाला कार्ड ख़राब है। तो आज हमने इसमें जो यूनिवर्सल कार्ड है हमने वो लगाना है, तो इसको हमने LCD से LED बनाना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह इसमें कार्ड लगाना है और किस तरह आप इसको LCD से LED बना सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद मुदसर अली खोखर और आप देख रहे हैं MeTV9। जिन दोस्तों ने अभी तक MeTV9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम इसको ओपन करते हैं जी। तो कड़े को हमने उतार दिया इससे, ठीक है जी। अब हमारा फ्रंट भी अलहदा हो चुका है और बैक भी। तो अब मैंने इसका पैनल भी अलहदा कर दिया। तो अब हमने क्या काम करना है, क्योंकि इसकी जो कि हमने जो कार्ड लगाना है उसकी लंबाई ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने क्या काम करना है, इस कार्ड को भी हमने बाहर निकाल देना है और इसका ये जो एरिया है इसको हमने यहाँ से काट देना है, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा यहाँ पर कार्ड एडजस्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको निकाल कर और इसका ये एरिया काट कर इसको एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये कार्ड इसका मैंने बाहर निकाल दिया जी। तो अब मैं इस कार्ड को ओपन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसके जो हमने इसका ये एरिया काटना है, तो इसमें इसका ये ट्रांसफार्मर कोयल है, ये कोयल है, ये कैपेसिटर है, ठीक है जी, और ये हमारा कैपेसिटर है। तो अब मैं इसके ये सभी कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ और इस एरिया को काट कर अलहदा कर देंगे, ठीक है जी। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसका ये वाले जो एरिया है, इस एरिया को मैंने काट दिया, बिल्कुल ये हमारा फारिग हो चुका है। तो अब हमने इसको, ये हमारा पावर जैकेट, इसको हमने इस जो कि हमारा ये ब्रिज है इसके सेंटर के दो पॉइंट के ऊपर हमने इसको लगा देना है, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा आगे जो एरिया से भी चल जाएगा। और इसके वक्त तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अब कार्ड यहाँ पर इजी फिटिंग आ जाएगी, इसकी हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब हमने क्या काम करना है, इसका ये वाला एरिया हमने काट देना है, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक इस एरिया को। तो अब मैं इसको काटता हूँ, ये वाले एरिया हमने इसको यहाँ से काट देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको काट देना है, ठीक है जी। तो अब मैं काट के आपको ये कार्ड लगा कर एडजस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसका जो कि कार्ड लगाने की जगह मैंने बना ली है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमारा जो कार्ड है यहाँ पर इजीली फिटिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है जी। तो अब मैं इसके जो हमने कनेक्शन करने हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो अब हमने इसके कार्ड के ऊपर कौन कौन से वोल्टेज लगाने हैं, तो अब हमने इस कार्ड से जो वोल्टेज निकालने हैं वो हमने इसके 5 निकालने हैं और ये इसके 12 वोल्टेज निकालने हैं, ठीक है जी। तो इसमें ये दो रेक्टिफायर लगाए गए डायोड, तो इसके से हमने 2 वोल्टेज निकाल लेने हैं और इसके जो के
अब इसमें कार्ड भी ये तो मैंने लगाना नहीं, ये ख़राब है तो नया लगाना है। तो इसके 12 वोल्ट के आगे ये जो बिल ऑन है इसको हमने लगाना है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसको हमने लैंप कार्ड के लिए इस्तेमाल करना है इस वोल्टेज को। यहाँ पर हमने इसके 5 वोल्टेज इस कार्ड ने आउट कराने, तो वो हमने इसके यहाँ पर लगा देनी है इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, अगर इसके ये पॉइंट तो आप मिला भी देंगे तो उसका कोई इशू नहीं आएगा। और उसके बाद हमने इसको इसके ये दो डायोड हैं इनसे हमने इसके 5 और 12 वोल्टेज लेने हैं, तो वो मैं अब लगा कर आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्ड के मैंने कनेक्शन कर दिए हैं जी। ये हमारा है जी 12 वोल्टेज के लिए, और उसके बाद ये इसकी लाइट के लिए जो लैंप कार्ड को हमने 5 वोल्टेज देने हैं, और ये इसका ग्राउंड है, और ये इसके जो कार्ड को हमने अलहदा से 5 देने हैं वो ये वाले हैं। गलत लग गया, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमने ये दो मिला देने हैं जो लैंप कार्ड को मारे जाते हैं, ये पॉइंट दो। ठीक है जी, उन दोनों को मिलाकर हमने इसके जो बिलिंग वाले ये वोल्ट होते हैं वो हमने लगा देने हैं, ये वाले जो ऑन ऑफ के ऊपर लिखे हैं। ठीक है जी, ये ऑन ऑफ के ऊपर हमने ये पॉइंट इसको लगाना है। तो अब मैं ये पावर देकर आपके उसको वोल्टेज इसके चेक करा देता हूँ कि हमने इसके कौन कौन से इसको वोल्टेज दिए हैं। ये ग्राउंड मैंने लगा दिया जी, ये हमारे जी 5 वोल्टेज, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे 12 वोल्टेज हैं, 13 वोल्टेज, ठीक हो गया। तो अब हमने इसको ये 5 वोल्टेज देंगे और ये हमारे लैंप ऑन हो जाएंगे। तो अब हमारा जो रह गया है ये आप देख सकते हैं, ये वेलर मैंने उतार दिया है। अगर आपने इसको कार्ड को सिर्फ 12 वोल्टेज देने हैं तो फिर आपने ये मेलर नहीं उतारना, अगर आपने इसको 12 और 5 वोल्टेज देने हैं तो फिर आपने ये मेलर उतार देना है। यहाँ से आपने इसको 5 वोल्टेज दे देने हैं, और यहाँ से आपने इसको 12 दे देने हैं। ठीक है जी, तो ये जैक मैंने बना दिया, ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसको 12 दे दिए जो हमारे 13 हैं कार्ड के ऊपर। ठीक है जी, ये इसके ऑन ऑफ के वोल्टेज जो गिव राउंड, और ये हमारे 5 वोल्टेज हैं, तो ये मैंने इसको यहाँ पर लगा दिए। ठीक है जी, तो कार्ड हमारे को वोल्टेज बिल्कुल मुकम्मल मिल गए हैं। तो अब हमने इसको अगर स्पीकर लगाने हैं तो स्पीकरों को हमने यहाँ पर लगा देना है, और उसके बाद ये हमारे रह गए जो हमने इसको रिमोट से वर्क कराना है। तो ये हमारे हैं जी 5 वोल्टेज, ये रेड और ग्रीन दो LED, IR और ग्राउंड है, तो ये हमने 5 पॉइंट लगाने हैं। ठीक है जी, और वो हमने इसके ये जो हमारा फ्रंट है तो इसकी दो LED इसकी में होती हैं। ठीक है जी, तो ये आप दो LED भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको सेंसर लगाना है तो वो आप इसकी जगह देख कर लगा सकते हैं। अगर इसके कोई बटन आप निकाल कर लगा दें तो फिर भी लग जाएगा, अगर वो नहीं निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ से कहीं से इसका सुराख करके लगाना होगा, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अब मैंने इसका ये जैक निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं जी, ये जैक मैंने इसका को छोटा था इसलिए मैंने इसको ये अटैचमेंट किया, ये अलहदा से जैक मैंने लगाया है। और अब मैंने इसके ये आप देख सकते हैं इसकी ये जो दोनों LED हैं ये भी मैंने ऑन की हैं, और उसके बाद इसका इसमें ये अलहदा से मैंने IR सेंसर लगाया है। ठीक है जी, तो इसमें ये मैंने ग्राउंड लगाया है। ठीक है जी, IR का जो ग्राउंड मैंने दिया है, और उसके बाद ये जैक से मैंने डायरेक्ट ही इसके दो लगा दी हैं वायरें, ये हमारा पहला IR है और ये सेंटर ग्राउंड है, और ये हमारा 5 वोल्टेज है। ठीक है जी, और उसके बाद ये जो हमारा जैक था इससे ये पहले दो वाली
पहले वाली ये दो इसकी एलईडी हैं और उसके बाद ये इसका ग्राउंड है, ठीक है जी। तो ये अब हमारा मुकम्मल जैक बन चुका है और अब ये कनेक्शन भी मैंने कर दिए हुए हैं। तो अब मैं ये आपको रिमोट की मदद से ऑन करके दिखा देता हूँ। और ये अब हमारा जो सभी कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं और उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको पावर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें एलईडी हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एलईडी हमारी ऑन हो गई है और अब मैं इसको रिमोट से ऑन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने रिमोट से ऑन किया तो इसने कनेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है जी। तो अब मैं इसकी सभी फिटिंग करके आपको ये चला कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये आप देख सकते हैं एलवीडीएस जैक लगा दिया, ठीक है जी। तो अब मैं इसकी फिटिंग करता हूँ इसमें। तो व्यूअर आप ये देख सकते हैं, इसकी मैंने सभी फिटिंग कर दी है, ये कार्ड मैंने लगा दिया है और अब ये हमारा दूसरा इसका कार्ड लैंप कार्ड सप्लाई लग गई है और इसकी सभी फिटिंग मैंने कर दी और नीचे मैंने एक कागज़ लगा दिया है और इसलिए ये कार्ड हमारा नीचे शॉर्ट ना हो, ठीक है जी। और इसका यह पावर जैक मैंने लगा दिया है, ठीक है जी। और उसके बाद ये मैंने इसके फ्रंट बनाया है, ये इसका IR सेंसर मैंने लगा दिया है जी। और ये हमारा जैक है और आगे से ये आप देख सकते हैं, तो सेंसर मैंने यहाँ पर लगाया है इसका। तो अब मैं इसको ऊपर पैनल लगाऊंगा और इसका ये जो जैक था हमारा पावर जैक, तो वो मैंने ये आप देख सकते हैं। और इसके पावर जैक को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, रेक्टिफायर के अंदर। तो अब हमारा सिर्फ रह गया काम इसके ऊपर, अब हमने पैनल लगाना है और इसकी फिटिंग करनी है। तो अब मैं वो करके आपको दिखा देता हूँ। तो फिटिंग LCD की मैंने कर दी है, ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड मैंने लगा दिया इसमें, ठीक है जी। तो अब मैं इसको पावर देता हूँ जी। पावर मैंने दे दी और ये आप देख सकते हैं इसमें लाइट इसकी शो हो चुकी है, ठीक है जी। तो आप इसको हम रिमोट से ऑन करते हैं। तो LED हमारी ऑन हो गई है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।